ये जो मेरे पीछे एक टावर है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मिनट में जरा बता दो। इसको कहते हैं द ओब्लिस्क ऑफ द ओडोसिस। लास्ट टाइम जो आपने शेव कराई थी वो कितने पैसे दिए थे? फ्री में चुमी शर्ट दे यार, सुबह के दोपहर के 12 बज चुके हैं, शाम के 4, दोपहर के 12 बज चुके हैं और एक के सारे व्लॉग झूठे होते हैं, इस टाइम 4 बज रहे हैं और एक काम जो भी है और एक काम टाइम अब गलती से गलत लिखेगा लेकिन 4 बज चुके हैं। एक काम जो काम नहीं करना, 2-3 काम है जो तुमने नहीं किए भाई। स्विमिंग पूल, इसमें अभी हम करेंगे जंप। नहीं से जो जंप करेगा उसे मिलेंगे 50 लीरा। क्या करेगा वो? 50 लीरा मिलेंगे उसे। मैं 100 लीरा दूंगा, आप जंप कर लो। नहीं, 200 करें, 200 करें, 200 करें ना। डबल लीरा लीरा हो जाओ। सीन ये है कि मैंने आपको पहले ही कहा था। क्या वो कहना? मैंने आपको, मैंने समझ ही नहीं आ रही यार। यार सीन मैंने, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? यू आर लुकिंग गुड। आपकी मेहरबानी है। ये क्या है यार, क्या है? जाना है, बाहर जाना है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसको क्या बात करूं, या मैं कोई एक्सप्रेशन ही ना दूं, या मैं कुछ बोलूं ही ना, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? शीशे में देख रहा हूं कि हम लोग कितने घटिया दिख रहे हैं और तुम अपना फ्रेम कितना अच्छा लेके आ रहे हो। तो यार देखें, बात यह है कि कैमरा वही कैप्चर करता है जो असल होता है, ठीक है? मिस्टर बजाज, आपका 500 करोड़ रुपया किधर है? और ये है हमारे होटल का कैथीड्रल। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल, कैथीड्रल उस चर्च को कहते हैं जहाँ बिशप बैठता है, मगर इस चर्च में कोई बिशप नहीं बैठता, मगर सानू की। और इस होटल की बिल्डिंग ऐसे है जैसे हैरी पॉटर मूवी यहीं शूट हुई है। और होटल से निकलते ही हम पहुँच गए कराची, क्योंकि कराची में ही तो समंदर है और तो कहीं है नहीं। लेकिन हमारे होटल की बैक साइड पे भी एक समंदर था और उसका नज़ारा यही है। सुना था कि दुनिया में बहुत से वेले लोग होते हैं, आज देखने का भी मौका मिल गया। इस शख्स ने सुबह 9 बजे का कांटा डाला हुआ था और अब जाके इसने ये एक फिश पकड़ी है। हाय मास सदके जाए इसके, इससे ज़्यादा वेला कोई है तो कमेंट करें। तो यार जब आप टर्की आए तो फिर टर्की का थोड़ा सा गेटअप भी होना चाहिए, तो मैंने कैप पहन लिया। और यहाँ पे टर्की जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, वो है अपने कावों की वजह से। तो ये है इसका पोमेग्रेनेट का कोई कावा है, तो ये मैं टेस्ट करने लगा हूँ। लेट्स सी ये कैसा है।
तो गाइस ये जो मेरे पीछे आपने टावर देखा है इसको कहते हैं द ऑब्लिस्क ऑफ द ओडिसिस और ये बनाया गया है 390 AD में, ठीक है। यानी कि ये इतना पुराना है और इसको इन्होंने प्रॉपर रखा हुआ है। ये एक सिंबल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे, बहुत सारे लोग नहीं हैं, 3-4 लोग जो हैं वो आ जाए हैं और उन्होंने यहाँ पे फ्लावर्स फेंके हैं, जिसका ये मतलब है कि ये अपनी मोहब्बत को जो है वो इतना पुराना करना चाहते हैं जितना पुराना ये टावर है, ठीक है। एक ये टावर है, एक वो टावर है, लेकिन ये वाले टावर जो है ना ये ज़्यादा पुराना है। तो अभी हम चलते हैं ब्लू मॉस्क और आपको ब्लू मॉस्क दिखाते हैं, क्योंकि ब्लू मॉस्क जो है वो हमने भी नहीं देखी काफ़ी अर्से से। और वैसे आपको बता दें कि आज हमारा लास्ट डे है टर्की में, तो आई एम रियली सैड, मैं वाकई जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं और एक्सप्लोर करूँ, एटलीस्ट 10-15 दिन और एक्सप्लोर करूँ, लेकिन वीज़ा हमारा आज लास्ट है, लास्ट डे है वीज़े का, तो आज हम वापस जा रहे हैं। तो अभी हम ब्लू मॉस्क चलते हैं, उसके बाद आपको एक दो और चीज़ें दिखाते हैं, ग्रैंड बाज़ार मैं ट्राई करूँगा कि आज कवर हो जाए, और ठीक है उसके बाद शॉपिंग करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा शॉपिंग करके आना, तो शॉपिंग करेंगे और फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो लेट्स गो टू ब्लू मॉस्क। तो यार ये मेरे बैग पे जो है ये ब्लू मॉस्क है और ये हमसे मिस हो गई थी लास्ट टाइम, हम आया फफिया चले गए थे, ब्लू मॉस्क नहीं गए थे, तो मैंने कहा लास्ट डे है तो ब्लू मॉस्क भी कवर कर लें। तो शायद आपको थोड़ी सी ब्लर नज़र आ रही हो, लेकिन अभी इसको ज़रा क्लियर करते हैं। तो गाइस मैंने सोचा मैं भी ये स्मिथ अंकल खा लूँ, सारे लोग खाते हैं तो इसको ट्राई करें। वैसे रिव्यूज़ तो लोगों ने दिए थे कि ये इतना कोई ख़ास नहीं है, बट फिर भी इस्तांबुल आए और स्मिथ अंकल को टेस्ट ना करें तो बुरा लगता है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्रीम लगी हुई है लेकिन इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा खाने का, ठीक है। बस स्टिल पैसे ऐसे इमर नहीं है इटा ने, एक तो आप ये कभी ये पूरा स्मिथ अंकल ना लें, आपके जॉज में पेन होने लग जाएगी। दूसरा यार हम सोचे थे कि हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं, तो हमें जो है ना बस जाएंगे 5 मिनट लगेंगे और हम मॉस्क देख के वापस आ जाएंगे, बट ये देखें यहाँ पर तो लाइन ऐसे लगी हुई है जैसे सारे जो हैं वो सुबह 5 बजे के उठे हैं। और आज पहली दफ़ा हम पूरे ट्रिप पे पहली दफ़ा 9 बजे उठे हैं, 9 बजे उठे हैं, वरना हम 9 बजे सोते थे। मस्जिद में एंटर होके पता लगा कि मस्जिद में तो रेनोवेशन हो रही है और एक मखसूस हिस्सा उन्होंने विजिटर्स के लिए ओपन किया हुआ। अफसोस तो बहुत हुआ लेकिन साथ में खुशी भी हुई कि एटलीस्ट हमने ब्लू मॉस्क को अंदर से देख लिया। शैतान आपको ये वीडियो लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से रोकेगा।
लेकिन आपने अपने आप को शैतान की पहुंच से दूर रखते हुए इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।